स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से अब समझिए तो बोर्ड एग्ज़ाम जो है टर्म वन का एग्ज़ाम का तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो टर्म वन में चूंकि MCQ आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न की तैयारी ज़रूरी है। तो चलिए इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा चुके थे, हमने पढ़ाए थे, एक इतिहास के जो टीचर हैं वो पढ़ाए थे, तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं MCQ, ठीक है। और सभी चैप्टर का जितना भी टर्म वन में पढ़ना है सभी का MCQ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जितना भी सब्जेक्ट है सभी का, ठीक है। तो चलिए आज ये इतिहास का पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक बार चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन भी समझ में आए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दे तो भी आप उसका आंसर दे पाए, ठीक है। तो यहाँ चलिए लगभग 50-60 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक जो किताब है उसका लेखक रूसो थे, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो मैटरनिक का है ना, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कौन कहा था? तो मैटरनिक, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो फ्रांस का सम्राट थे वो, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट थे। अगला प्रश्न है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई सोलहवां। ये फ्रांस की क्रांति 9 क्लास में पढ़े थे, वही सब लग रहा है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को, है ना। जूसेपे मेसिनी का जन्म कब हुआ? तो जूसेपे मेसिनी का जन्म 1807 ईस्वी को हुआ था, याद रखिए 1807 ईस्वी। द स्पिरिटी ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेंटेस्क्यू इस किताब को लिखे थे, मेंटेस्क्यू। विस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1862 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? तो ऑस्ट्रिया के साथ जो प्रसा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था। प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ, मानी युद्ध कौन सा संधि से रुका? तो वियना के संधि पर युद्ध समाप्त हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। गैरिबाल्डी कहाँ के निवासी था? सार्डिनिया के निवासी था ये, ठीक है। अगला है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में, याद रखिए। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो फ्रांस का राष्ट्रगीत, राष्ट्रभक्ति का गीत मासिले है। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य, कहते हैं उसको राष्ट्र राज्य। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो उसको रूपक कहते हैं, ठीक है। टूटी हुई बेड़ियाँ, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो ये सब क्या है? रूपक है। कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो ये पोलिश राष्ट्रवादी था। आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुई महिला किस बात का प्रतीक था? तो ये न्याय का प्रतीक था, जो तस्वीर है उसका, उससे क्वेश्चन है। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में था बुर्बो राजवंश का शासन। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता मिला। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सोरियू चित्रकार था फ्रांस का। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस। वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो वही 1815 ईस्वी। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो उसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया। जर्मन राष्ट्र के लिए जर्मेनिया महिला रूपक बनी। जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। तो ये सब विदेशी इतिहास है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो नाम तो थोड़ा अजीब अजीब रहेगा विदेशियों का, अंग्रेजों का, तो थोड़ा सा नाम याद करना पड़ेगा बढ़िया से। निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? तो विक्टर इमैनुएल टू को, है ना, पढ़ने नहीं थे, देख के याद करने में तो दिक्कत हो गए। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? यूनान को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कैमिलो दे काबूर ने किया। कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो 1832 ईस्वी में, याद रखिएगा 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा के चांसलर थे, प्रशा। फ्रेडरिक सोरियू का विषय क्या था? तो लोकतंत्र था, लोकतंत्र। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाती है? तो उसको निरंकुशवाद कहते हैं। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको नारीवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ यह माना जाता है। सोर्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुएल था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड्ग। रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया, ठीक है। खून और खंड माने रक्त और लौह। तो ये सारा MCQ 45 MCQ, ये 45 को याद रखिएगा। तो इससे ज़्यादा हट के क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है ना, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर में सारा क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करें। देखिए मेरा अपना सब्जेक्ट ये नहीं है, इसलिए डिटेल से तो समझा नहीं पाए, बस क्वेश्चन से देना मेन मकसद है ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। बाकी आप पढ़िए जहाँ भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं। अदरवाइज स्कूल सब में पढ़ ही रहे हैं, बाकी हम मैथ और साइंस को तो पूरा समझा के कर देंगे, लेकिन इतिहास थोड़ा मेरा सब्जेक्ट ही नहीं तो हम पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब उतना टाइम नहीं है कि इतिहास को भी डिटेल से पढ़ाएं, तो उतना सब्जेक्ट तो अकेले नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। और उधर भूगोल सबको कहिएगा तो चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है, नागरिक भूगोल अर्थशास्त्र ये सब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था ये पहला इतिहास का पहला चैप्टर का MCQ। इतिहास में दो चैप्टर पढ़ना है तो आते हैं इतिहास का ही दूसरा चैप्टर या कोई भूगोल वूगोल का चैप्टर लेकर के, ठीक है। और मैथ साइंस तो चल ही रहा है, मैथ साइंस देखते रहिए, ठीक। मैथ साइंस का पूरा क्लास करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।